So, टाइगर श्रॉफ की नई मूवी गणपत जो कि लियो के साथ क्लैश होने वाली है, मतलब हेड ऑन नहीं बट दो तीन दिन के गैप में, तो उसका टीजर अभी आया है और मैं कहूंगा कि जितना एक्सपेक्ट किया था उससे तो अच्छा लग रहा है। हाँ, ऑफ कोर्स इश्यूज है इसमें भी, तो चलिए आगे बात करते हैं उसके बारे में। सो हे गाइस, कैसा तुम्हें, मेरा नाम है रॉकी और आप देख रहे हैं रॉकी द वॉच। तो गणपत मूवी रिलीज होने वाली है 20 अक्टूबर 2023 में, और वो भी हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ा, 5 लैंग्वेजेस में। और मूवी डिस्ट्रीब्यूशन का ही पैसा रिकवर कर पाएगी कि नहीं पता नहीं, पर हाँ रिलीज हो रही है भी इसको। जिसके 2 दिन पहले रिलीज हो रही है थलापति विजय की लियो मूवी, जो कि रिपोर्टेडली लोकेश सिनेमेटिक यूनिवर्स का पार्ट है। बट फिर भी उतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए गणपत को, कंसिडरिंग नॉर्थ में लियो का उतना पुल नहीं होगा ऑडियंस का, तो नॉर्थ में डिसेंट इनफ कलेक्शन हो सकते हैं गणपत के, अगर मूवी थोड़ी भी अच्छी हुई तो। सो गणपत हीरो इज बॉर्न मूवी के लीड में है टाइगर श्रॉफ और कृति सेनन, और उनके साथ अमिताभ बच्चन का भी एक काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होने वाला है। और मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं विकास भाल, जिन्होंने पहले डायरेक्ट किए हैं मूवीज लाइक क्वीन, Trap, सुपर 30, अगली, चिल्लर पार्टी, मसान, NH10, भावेश जोशी सुपर हीरो, और अभी रिसेंटली आई मूवी गुड बाय। वो इतने वेरिएशन जनरा, और वो भी एक ही डायरेक्टर ले देख रहा हूँ भाई, और इतने वेरिएशन है तो है बट वो भी अपने अपने जनरा में टॉप नॉच मूवीज है, और बहुत सारे मूवीज अंडररेटेड भी है लाइक भावेश जोशी सुपर हीरो, और रिसेंटली आई गुड बाय मूवी, वो भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। तो हाँ, गणपत का टीजर देखने के बाद मुझे अच्छा लगा था, उतना एक्साइटेड नहीं था मैं इसके लिए, बस समझ रहा था कि एक टिपिकल टाइगर मूवी होगी, बट भाई डायरेक्टर प्रॉमिसिंग है तो कुछ भी हो सकता है, आई एम इन। पर अगर विकिपीडिया की माने तो मूवी का बजट एस्टिमेट किया जा रहा है 200 करोड़। खैर आई डोंट थिंक कि इतना होगा, और एग्जैक्टली कितना होगा ये तो हमें मूवी रिलीज होने के बाद ही हमें कुछ क्लू मिल सकता है। और गणपत पार्ट 1 मूवी पहले प्लान थी 2022 के एंड में रिलीज करने के लिए, बट शूटिंग कंप्लीट नहीं थी और पोस्ट प्रोडक्शन में काफी कम बचा था, इसलिए आगे 22 अक्टूबर 2023 को ढकल दिया है, और मूवी का नाम भी बदल के हीरो इज बॉर्न कर दिया है। अब क्या पता इतना डिले होने के बाद मूवी के नैरेटिव में कुछ चेंज हुआ है इसलिए नाम चेंज कर दिया है, कोई और रीजन है उन्हें ही पता। खैर अब फाइनली उस टीजर के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। तो टीजर चालू होते ही दिखाते हैं कि भाई ये 2070 AD है, और वहां हमें टाइगर श्रॉफ कुछ ध्यान लगाते हुए दिखाई देता है। फिर हमें कुछ शॉट्स दिखाते हैं फ्यूचरिस्टिक दुनिया की, कैसी दुनिया बन गई है 2070 AD में, मतलब फ्यूचर में जहां राशन की कमी है, पानी की कमी है, और उसके लिए लोग झगड़े कर रहे हैं और कोई होप बची नहीं है इस दुनिया के लिए। फिर आगे हमें अमिताभ सर की आवाज सुनते हैं, वो बोल रहे होते हैं कि ये लड़ाई तब तक मत लड़ना जब तक हमारा योद्धा ना आ जाए, और आई थिंक वो बात कर रहे हैं टाइगर के कैरेक्टर के बारे में जिसका अवेकनिंग अभी हो रहा होगा। और फिर आगे हमें बहुत सारे टिपिकल टाइगर के स्टंट्स दिखाने के बाद अमिताभ सर दिखते हैं, जो कि एक अखाड़े में होते हैं, तो मे बी वो एक गुरु हो सकते हैं टाइगर, यानी गणपत के, अज्यूमिंग कि गणपत ही नाम है मेन कैरेक्टर का। फिर उसी शॉट्स में हमें कृति सेनन फाइट करते दिखती है, कंचुक या कोई नाम है उसके वेपन का उसके साथ, और भाई वो जरा भी सूट नहीं कर रहा था, और अगर ध्यान से देखोगे तो वायरिंग ऐसे ही दिख जाती है क्योंकि उसे देखने के बाद ऐसा लग ही नहीं रहा कि कोई एफर्ट डाला है उस एक्शन शॉट को करते हुए। फिर आगे कुछ गाने के शॉट्स है और एक हेवी फेमस कोट लिखा हुआ आता है कि एवरी बिगिनिंग स्टार्ट विद एन एंड, जो कि वैसे उसमें आधा ही कोट शो होता है स्टार्ट तक, और आगे मूवी का नाम शो होता है गणपत, तो इसे इस सेंस में भी दे सकते हैं कि हम कोई भी किसी अच्छे काम का शुभारंभ करते हैं तो गणपति की पूजा से ही करते हैं, तो वो वैसा कुछ बोल रहे हो सकते हैं कि भाई एवरी बिगिनिंग स्टार्ट विद गणपति, आई मीन गणपत। और ये सेंस भी बनाता है क्योंकि उसके बाद हमें क्लाउड्स में गणपति का स्टैचू बने दिखता भी है, तो मूवी अनडाउटेडली हिंदुइज्म से बहुत ज्यादा कनेक्टेड होने वाली है जैसे प्रोजेक्ट के है। और अब नेगेटिव्स की बात करें तो टीजर में जो सीजीआई के शॉट्स थे जैसे ये बिल्डिंग एंड वो गेट, वो बहुत ज्यादा नोटिसेबल थे, ऐसा लग रहा था कि भाई ये रियल नहीं सीजीआई है, बट मे बी बिग स्क्रीन पे ऐसा लगे, फिंगर क्रॉस। और सेकंड टाइगर श्रॉफ के डायलॉग, वैसे इस टीजर में उसका एक ही डायलॉग था, वो भी लास्ट में, बट वो भी उससे जवान नहीं, और इट्स जस्ट मी और आई डोंट नो बट मुझे वो जवान नहीं, बट हाँ उतने ही नेगेटिव्स लगे मुझे। बाकी देखते हैं ट्रेलर कब आता है, उसके ऊपर एक अच्छे से ब्रेकडाउन वीडियो करेंगे। तो दैट बीइंग सेड, ये था आज का वीडियो, और भाई ये वीकली रैप का वीडियो बहुत ज्यादा आगे जाएगा ऐसा लग रहा है इस टीजर्स की वजह से, फिर वो भी बहुत ज्यादा जल्दी लाने का ट्राई करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वन, तब तक देखते रहिए रॉकी द वॉचर। जय हिंद।